नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिक्वायरमेंट गुरु पर। दोस्तों, रेलवे के द्वारा 2023 की नई भर्ती की रिक्वायरमेंट जारी किया गया है, जिसमें नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर के द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट के लिए नई भर्ती की नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें ITI डिप्लोमा पास आउट छात्र इसमें एलिजिबल होंगे। इसमें अप्लाई करने के लिए अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन आपका रहेगा, तो मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। उसी के साथ आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं और पूरी प्रोसेस के बारे में मैं आपको फुल डिटेल से बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक आप जरूर वॉच करिएगा। वीडियो को आपको स्किप करके नहीं जाना है और चैनल पर डेली गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, रेगुलर जॉब की अपडेट्स अपलोड की जाती है, तो आपको हमारे चैनल से डेफिनेटली जुड़ना, तो सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करके रखें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लाया गया है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, वहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट पर आपको रिडायरेक्ट हो जाना है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के द्वारा जयपुर के द्वारा रिक्वायरमेंट जारी किया गया। तो सबसे पहले गाइस हम पोस्ट एंड वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट के लिए पोस्ट रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 238 वैकेंसीज, यहाँ पर पद यहाँ पर रखा गया है। टोटल यहाँ पर 238 वैकेंसी है, ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स, मेल फीमेल कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप ITI डिप्लोमा से पास आउट ऑफ छात्र हैं तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। ITI डिप्लोमा में यहाँ पर आपका ITI में जो आपका ट्रेड है गाइस, जिनका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो गया वही छात्र इसमें पात्र होंगे, ठीक है। ITI में जो आपका ट्रेड रखा गया है, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलीवराइट, मेंटेनेंस, मशीन मैकेनिक, रेडियो एंड TV इलेक्ट्रॉनिक्स में मैकेनिक। उसी के साथ गाइस यहाँ पर आपका मोटर व्हीकल मैकेनिक के छात्र इसमें एलिजिबल होंगे। बायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक और जो भी छात्र हैं इसमें पात्र होंगे, ठीक है। डिप्लोमा में आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पास आउट छात्र इसमें एलिजिबल होंगे। एक्सपीरियंस यहाँ पर ओनली फॉर फ्रेशर स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होंगे। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 18 साल आपका मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 42 साल है। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको ST SC कैंडिडेट्स को यहाँ पर 5 साल का छूट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जॉब लोकेशन आपका जयपुर राजस्थान आपको जॉब लोकेशन मिलने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर जो रखा गया, ऑनलाइन टेस्ट आपका लिया जाएगा, CVT, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा, मेडिकल टेस्ट आपका करवाया जाएगा और लास्ट में अंत में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर कोई भी आपको एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में रिक्रूटर के द्वारा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छे से आप पढ़ लेना, उसका लिंक भी मैं आपको बताने वाला हूँ कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सैलरी यहाँ पर आपको 19,900 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर स्टाइफंड देखने को मिलेगा, ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। अप्लाई मोड आपको ऑनलाइन अप्लाई आपको करना है। हाउ टू अप्लाई, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स प्लीज़ रीड द फुल नोटिफिकेशन देन अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन करने का जो आपका डेट है 7 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट आपका 6 मई से पहले आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। अप्लाई लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ से आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप जरूर यहाँ पर आइए, चेकआउट करें और ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरी इन्फॉर्मेशन को आप जरूर पढ़ें। और इसमें आपको अप्लाई जरूर करना है जो भी ITI डिप्लोमा पास आउट छात्र हैं, ठीक है। तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 238 पोस्ट यहाँ पर, अच्छी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है रेलवे के द्वारा, तो आपको डेफिनेटली इसमें अप्लाई करना है। और इसी प्रकार के लेटेस्ट जेन्युइन जॉब के अपडेट्स रेगुलर पाते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को जरूर लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको इस नोटिफिकेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।